हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग सभी वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए 21 नंबर लिखा हुआ है, -1/343 की पावर 2/3 का मान है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 343 क्या होता है ये। तो आप सभी लोग क्या जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि 343 जो होता है वो 7 का घन होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 का घन होता है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से ले लेंगे वो बात समझिए पहले आप लोग। इसे कह सकते हैं हम लोग -1/7 और इसकी पावर अगर हम कर दें 3, ठीक है, -1/7 की पावर अगर 3 कह लें तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का क्यूब हो जाएगा माइनस और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। और इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर है 2/3। ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। 3 से 3 कट जाएगा तो आपका कितना बचा, सिर्फ -1/7 और इसकी पावर कितनी बची है, 2। अब देखिए माइनस का वर्ग होता है प्लस और 1/7 का हो जाएगा 1/49, कितना आया, 1/49। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर आ गया है, यदि √5 = 2.2360 हो तो √180 - √80 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको √180 को बाहर निकालना है। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर 180 के करने होंगे गुणनखंड। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 × 18, इसका देखिए 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा। फिर देखिए 3 × 3 = 15, 3 × 3 = 15 और 5 × 5, ठीक है, तो आपका इतना ये हो गया है। और 80 को करें तो 80 का हमारा हो जाएगा 2 × 4, इतना हो जाएगा, फिर 2 × 2 और फिर इसके बाद 2 × 1, फिर देखिए 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। तो देखिए ये वाला हमारा कितना हो गया है, ये हो गया है 4/5 और यह कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6/5। तो आपका कितना आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 6√5। ठीक है, कितना आएगा, 6√5 और माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा 4√5, इतना आ गया, घटाएंगे बचेगा 2√5, आपका इतना आया है। अब आपको 5 का मान दे रखा है, वो रख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 × और लिखेंगे 2.2360, गुणा करेंगे इसकी, 2 × 0 = 0 जाएगा, 2 × 12 का 2 हाँ से लगा 1, 2 × 3 = 6, 1 = 7, 2 × 2 = 4, 0.2 × 2 = 4। आपको ऑप्शन देखना है, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले में ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर, यदि a/b = 3:4, b/c = 2:1, c/d = 1:2, तो a/b/c/d किस प्रकार से निकालेंगे। तो निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका लगाएंगे, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे लगा के। a/b कितना रखा है, आपको रखा है 3:4। फिर देखिए b/c की बात कर लें तो कितना रखा है, 2:1। अब c/d की बात कर लीजिए, कितना रखा है आपको, 1:2। अब देखिए सबसे पहले आप क्या निकालना है, आपको निकालना है a/b/c/d। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले आपको इस सीधी लाइन की गुणा कर लेनी है। ठीक, सबकी गुणा कर लेनी है, ये आपका अनुपात a वाला निकल जाएगा। ठीक है, कौन सा निकल जाएगा, 1 वाला निकल जाएगा। तो देखिए 3 × 2 = 6, तो ये a वाला अनुपात आ गया। अब बिल्कुल लास्ट वाला गुणा कर लीजिए। ठीक है, लास्ट गुणा करिएगा, कितना आएगा, 4 × 1 = 4 × 2 = 8, तो हमारा a/d हमारा कितना आ गया है, 6:8। देखिए आंसर इसी से निकल गया हमारा आ जाएगा, कैसे निकलेगा, इसे हम 2 से काट लेंगे, 2 × 3 = 6 और इसे काटेंगे 2 × 4 = 8, तो a/d हमारा आ गया है 3:4, कितना गया है, 3:4 आ गया a/d। आपको यही देखना है कि a वाले में 3 और d वाले में 4, तो ऑप्शन नंबर d इसका राइट ऑप्शन होगा, बकाया आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमने आपको गुणा कर दिखा दिया है। तो 6:8 निकल गया, 3:4 आ जाएगा, a/d का अनुपात निकल गया है, और वही देखेंगे हम, ये देखा इसमें है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो है डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 24 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्नों का आरोही क्रम दर्शाता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक विकल्प इसका करेक्ट होगा। तो देखिए कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सॉल्व करेंगे, लिखा है 3/7, फिर लिखा है 7/11, फिर लिखा है 5/9। मैंने सिर्फ ए वाले को उठा के चेक किया है। ठीक है, देखेंगे आरोही क्रम में, सबसे पहले आप इसका अंतर निकालिए, 3 और 4 का अंतर कितना आया, इसका अंतर करेंगे आ जाएगा 4, इसका अंतर 7, 4 = 11 और इसका 5, 4 = 9। ठीक है,
तो सबका अंतर कितना है, सबका अंतर बराबर आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके बता सकते हैं हम लोग। आरोही क्रम पूछा गया, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है। तो तीन वाली का है, तो तीन वाली नंबर एक पर होगी, इसके बाद किसका है पाँच, और इसके बाद में सात। तो हमारा निकल जाएगा 3/7 कामा 5/9 और कामा 7/11। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में देखा है, तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी कुट भाषा में यदि प्लस को भाग, भाग को माइनस, गुणा को प्लस तथा माइनस को गुणा कहा जाए, तो आपको बताना है कि 17 भाग 25 + 5 - 20 × 15 का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 17 और भाग का लगाए, भाग का मतलब होता है माइनस, तो लिखेंगे -25। इसके बाद देखिए प्लस लगा है, प्लस का मतलब होता है, देखिए आपको देखा प्लस का मतलब भाग, तो भाग 5। फिर माइनस लगा है, माइनस को कहते हैं गुणा, तो गुणा 20, और फिर गुणा है, गुणा को क्या कहते हैं प्लस 15। इतना आपका हो गया है, सॉल्व करेंगे पहले से इसे, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 17 माइनस, देखिए वाला कितना हो जाएगा, ठीक है वो समझिए आप लोग बात को, 17 - 25 तो हो जाएगा 5 × 20 + 15। इसके बाद इसे देखेंगे अब कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा देखिए 17 15, पहले गुणा करेंगे इसे, हो जाएगा 17 - 20 = 100 और प्लस का 15। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 15 17 कितना होगा आपका, तो देखिए कितना होगा, 7 5 12 का 2 वहाँ से लगाया 3, तो 32 - 100, तो निकल के हमारा आएगा -68। किस में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 16 वर्ष में कितनी होती है, 3 गुनी आती है। अगर मान लीजिए रुपए थे 100, धनराशि थी 100 रुपए की, तो 16 वर्ष में कितनी जाएगी, 3 गुनी का मतलब जाएगी 300 रुपए। इतनी बात तो आप समझ में आ रही होगी कि अगर 100 रुपए होंगे तो 100 के कितने 300 हो जाएंगे। तो इनमें ब्याज कितना मिल गया हमें, इन पर ब्याज कितना मिला, 200 रुपए मिल गया ब्याज, समझिए अच्छी तरीके से, 200 ब्याज मिल गया। अब हम ध्यान लिखेंगे सूत्र, सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, तो सूत्र लिखेंगे 200 बराबर मूलधन, मूलधन कितना माना था 100 माना था, 100 गुणे दर, दर निकालनी है, गुणे समय कितना 16 वर्ष और 500। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसे, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आ गया है आर बराबर 200/16, इतना आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे, 4 × 16 और 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, तो क्या कहें 50/4 आ गया है, और काटेंगे हो जाएगा 25/2, 25/2 का मतलब है 12.5। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है 12.5% तो आप लोग इस सवाल को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए लिखा हुआ है, असंगत चुने, पैसों, लीरा, क्यात, फाख्ता, 4 ऑप्शन आपको सामने लिखे हुए हैं और आपको इनमें से असंगत आना है, असंगत कौन सा होगा। तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर पैसों, लीरा, क्यात, ये तीनों जो हैं ये मुद्राएं हैं सभी देशों की, ठीक है भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं हैं, लेकिन ये फाख्ता जो होता है ये एक चिड़िया का प्रकार होता है, ठीक है फाख्ता क्या होता है, एक चिड़िया होती है फाख्ता टाइप की, ठीक है तो इसलिए फाख्ता इसका अलग हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है, गौतम गंभीर ने अपनी 16 टेस्ट पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 1275 रन बनाए। देखिए लिखा है 2 बार नाबाद रहते हुए, नाबाद पारी को हम लोग नहीं गिनते हैं, ठीक है तो देखिए 16 टेस्ट पारी और 16 में से 2 नाबाद थे तो उन्हें घटा देंगे, कितना बचेंगे 14, तो इसका मतलब 14 पारी में बनाए हैं रन 1275, ठीक है 14 पारी में कितने बनाए, 14 में बनाए हैं 1275। अब कह रहा है कि 17वीं पारी में, अब आप लोग बताइए कि जब 16 टेस्ट पारियों में से 2 नाबाद हो गए हैं तो हमारी 14 पारी बची, तो 16 के बाद 17 आया, तो 14 के बाद 15 आएगा, तो मतलब 15वीं पारी, ठीक है समझिए बात को, यहाँ पर 15वीं पारी में कितने रन बनाए, 94 रन बना लिए उसने, तो 14 पारी में टोटल रन थे 1275 और 15वीं बनाए हैं 94 रन। पूछा गया तो उसका औसत क्या होगा, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पर रनों का योग हो जाएगा, रनों का योग कितना होगा 1275 और प्लस का 94, ठीक है और बटे रनों की संख्या, मतलब पारियों की संख्या, पारियां कितनी हो गई, पारियां 14 थी और एक बढ़ गई, मतलब पारियां टोटल हो गई 15, ठीक है समझ गए आप लोग बात को, रनों का योग ऊपर होगा बटे में क्या होगी पारियों की संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ पर अब यहाँ पर हल करेंगे इसे तो कितना होगा, 5 × 4 कितना हुआ आपका हुआ 9, और इसके बाद आपको कहता है 9 × 7 कितना हुआ 16, 16 का 6 वहाँ से लगा 1 3 और 1 अपान में हो गया 15, इतना आपका तो निकल के आ गया है। इसके बाद आगे देखेंगे तो कितना होगा, देखिए 15 से काटेंगे, 15 × 135 बचा 1 लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, इसका देखिए 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे 15 × 15 तो इसका मतलब है देखिए 91 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन में देखिए डी वाले में देखा है 91.26 रन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं 28 के बाद 29 नंबर को,
₹75 में एक वस्तु बेचने पर लागत मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर है, तो लागत मूल्य क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पर लागत मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम मान लेंगे माना लागत मूल्य कितना है ₹100, ठीक है। लागत मूल्य कितना है एक्स, लागत मूल्य का मतलब हुआ सीपी हमने एक्स मान लिया है। कह रहा है ₹75 बेचने पर, तो वस्तु को बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस पर, मतलब एसपी कितना है उसका ₹75। कह रहा है लागत मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ लागत मूल्य के 1/4, इसका मतलब एक्स का 1/4, इसका मतलब 1/4। समझ गया आप लोग बात को, कि अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी ₹100 है, बेचेंगे 75 में, तो उसका लाभ कितना होगा 1/4। अब देखिए आपको क्या पता है, सूत्र जानते हैं आप लोग हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ का मतलब है एसपी बराबर सीपी प्लस पी, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य है ₹75 बराबर क्रय मूल्य कितना है ₹100, और प्लस ब्याज कितना है x + x/4। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 75 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और x कितना होगा 5x/4। 5 से काटेंगे, देखिए 5 से तो 15 अपना 75 होता है। अब आपका आ गया है 15 बराबर x/4, गुणा कर देंगे तो आएगा 1 × 15 = 60। तो कितना निकल गया, 1 निकल गया 60। तो मतलब लागत मूल्य कितना होगा ₹60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा ₹60 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 34 नंबर लिखा हुआ है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष एवं 3 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 4 पुरुष या 6 महिलाएं, आपको पहले बात की या लगा है, या का मतलब हुआ ये दोनों बराबर होंगे, 4 पुरुष, ठीक है, और 6 महिलाएं, तो मतलब 4 पुरुष का मतलब आदमी मतलब मैन, ये बराबर है किसके, 6 वुमेन के, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ से निकालने वैल्यू क्या वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से, अगर यहाँ पर हम 2 से इसे काट लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2m बराबर, ठीक है, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 3 वुमेन। तो 2 मैन बराबर निकल के आ जाएंगे 3 वुमेन के, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप लोग यहाँ पर बात को समझिएगा, बात है 6 पुरुष और 3 महिलाओं की, कितने 6 पुरुष का मतलब 6 मैन और प्लस 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिखा है 6 मैन बराबर प्लस 3 वुमेन निकालना हमें। अब आप जानते हैं सभी, क्या जानते हैं कि 3 वुमेन जो हैं वो बराबर किसके हैं, 2 मैन के बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ कह लेंगे हम 6 मैन और प्लस यहाँ पर 2 मैन और रख लेंगे, तो टोटल कितना आएंगे 8 मैन, ठीक है। तो बात समझिए, पहले क्या था कि 4 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो अब हमारा निकल के आ गया कि 8 मैन उस काम को कितने में करेंगे, ठीक है, कि 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा कि m1 d1 बराबर m2 d2, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा, m1 कितना आपका है 4 आदमी, तो 4 × कितने दिन में करता है 8 दिन में, तो 8 × 4 = 8 बराबर कितना होगा, m2 कितना है 8 आदमी, और दिन कितने हैं, दिन आपको निकालने हैं x मान लेंगे, ठीक है। तो 8 से आपका 8 कट जाएगा, और आपका निकल गया 4 बराबर x, आ गया निकल गया इतना 4 बराबर कितना आ गया x आ गया है। तो इसका मतलब है कि 6 पुरुष और 3 महिलाएं उसे 4 दिन में पूरा कर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 4 दिन में पूरा कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मोहन ने परीक्षा में ठीक 300 अंक प्राप्त किए, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक क्या है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा काम देखना है, यहाँ पर लिखा है कि मोहन ने परीक्षा में अंक कितने प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त कर लिए, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब अगर उसके पास 20 अंक और होते, अगर उसके पास 20 अंक और होते तो क्या होता, तो पास हो जाता, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए 320 नंबर चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, 320 नंबर अगर आते तो वो उत्तीर्ण आता, और कहा है कि 40% अंक होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 320 की वैल्यू है 40%, मतलब 40% की वैल्यू कितनी है 320। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो देखिए 40 × 40 और 4 × 8 = 32, तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, ठीक है। 1% की वैल्यू किसका होगी, 1% की वैल्यू निकल के 8 के बराबर। आपको पूछा गया है पूर्णांक क्या था, पूर्णांक हमेशा कितना होता है आप सभी जानते हैं 100%, तो 1% की वैल्यू 8, तो 100 की हो जाएगी 800। ऑप्शन चेक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको ए वाले में दिखाया 800 अंक, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं, यदि ए को सिर्फ खोला जाता है तो वह टंकी को 10 घंटे में, यदि सिर्फ बी को खोला जाए तो वह उसे 12 घंटे में बदलता है, नल सी अकेले भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, ये टंकी खाली हो तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ, टंकी कितने में भर जाएगी, ठीक है।
तो देखिए दो नल पानी को भर रहे हैं और एक नल खाली कर रहा है, ठीक है। तो एक भर रहा है 10 घंटे में, दूसरा भर रहा है 12 घंटे में, और खाली कितने भर रहा है 8 घंटे में। तो देखिए इसे लगाने के लिए आपको सिंपल सा एक भिन्न बनाना पड़ेगा और उसे हल कर देना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि टंकी कितने में भर जाएगी। तो देखिए जो भर रहे हैं उसे आपको पॉजिटिव रखना है, मतलब प्लस का रखना है, जो टंकी खाली कर रहा है उसे आपको माइनस करना है। तो पहले ए वाला नल जो है वो 10 घंटे में भर रहा है, तो इसका मतलब पहला होगा 1/10। फिर देखिए सिर्फ बी, यदि सिर्फ बी को खोला जाए तो वह 12 घंटे भरता है, तो ये भरता है तो ये भी हो जाएगा 1/12। और फिर कह रहा है कि सी अकेले भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, इसका मतलब माइनस जाएगा -1/8। तो देखिए आपका इतना हो गया है, सॉल्व करिएगा इसे, इसका लासा निकालेंगे, लासा आ जाएगा आपका 120। इसका देखिए 10 का पहाड़ा पड़ेंगे 120 के लिए 12 बार जाएगा, तो जाएगा 12 प्लस 12 सामान से 10 आएगा, 8 का देखेंगे 8 15 तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, कौन सा लगेगा यहाँ पर लगेगा माइनस का। अब कितना होगा यहाँ पर 20 10 कितना हुआ 30, 20 नहीं 12 10 कितना हुआ 22, तो 22 माइनस का 15/120। हल करेंगे आपका आ गया है 7/120, ठीक है। अब आपको निकालना है टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो टंकी कितनी भर जाएगी, अब क्या करेंगे भिन्न निकल जाएंगे, हम इसे उल्टा कर लेंगे आपका निकल जाएगा, टंकी कितनी भर जाएगी 120/7 घंटे में, ठीक है, इतने घंटे में भर जाएगी। लेकिन आपको 120/7 कहीं दिखने रहा होगा, तो आप इसे काट लीजिएगा, कितने बज जाएगा देखिए 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 बचे कितने 5 हो गए 50, 7 × 49 बचा 1 और बटे कितने आएंगे 7, तो आपका आ गया 17 सही 1/7 घंटा। ऑप्शन नंबर कोई सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, यहाँ पर देखिएगा लिखा है कभी नहीं भरेगा, भर जाएगी लेकिन टाइम आपको निकल कर गया कि 17 सही 1/7 घंटे में भर जाएगी, ठीक है। तो जब किसी में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट होगा, वैसे आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए 32 के बाद 33 नंबर देखिए लिखा हुआ है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प आपको चूज करना है, यहाँ पर क्या आएगा 6, 9, 14, 21, 23, 41, तो आप आगे इसके क्या भर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा 6, फिर है 9, 14, 21, फिर है 30, 41, तो आपका आगे क्या आएगा, 6 से 9 पर आएंगे तो प्लस का 3 करेंगे, 9 और 5 होता है 14, इस प्रकार देखिए आगे 14, 7 होता है 21, 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आएगा 30, तो पहले 3 जोड़ा फिर 5, 7, 9, तो अब की बार देखिए इन्होंने 11 ही जोड़ा है, तो आप सभी को पता लग गया होगा कि प्रत्येक बार दो दो बढ़ा रहे हैं, तो अब की बार कितना जोड़ेंगे, अब की बार जोड़ देंगे 13, कितना होगा 3 × 1 = 4, 4/5, 54 आ गया है। ऑप्शन नंबर देखिए बी में देखा है 54, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है आपसे, इसकी बात को समझिएगा। 34 नंबर में बात की गई है कि 4 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, पिंटू राजू के ठीक दाएं है खड़ा है, सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, जितेंद्र सबसे बाएं खड़ा है और उसके ठीक दाएं राकेश खड़ा है, पिंटू के बाएं दूसरा राकेश है, सबसे दाएं कौन खड़ा है। तो आपसे ये पूछा गया है, सबसे पहले देखिए 4 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं, तो उसमें देखिए एक पंक्ति बनी हुई है, इसमें 4 व्यक्ति खड़े होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये खड़े हो गए मान लीजिए। कह रहा है पिंटू राजू के ठीक दाएं खड़ा है, पिंटू कहाँ पर है, राजू के दाएं, अगर मान लीजिए राजू यहाँ पर है, ठीक है, तो पिंटू कहाँ पर होगा, पिंटू राजू के दाएं, दाएं का मतलब इस साइड में होगा, इस साइड में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर होगा पिंटू, ठीक है, समझ बात को, पिंटू यहाँ पर होगा, क्यों कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पिंटू जो है राजू के ठीक दाएं है, तो यहाँ पर रहेगा। अब लिखा है सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आगे देखिए जितेंद्र सबसे बाएं खड़ा है, जितेंद्र सबसे बाएं का मतलब सबसे बाएं इधर होगा, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो लेफ्ट की तरफ होगा जितेंद्र, सबसे जितेंद्र है तो जितेंद्र यहाँ पर जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि और उसके ठीक दाएं राकेश है, इसके दाएं का मतलब इधर, इधर कौन है, इधर है राकेश। फिर कह रहा है कि पिंटू के बाएं दूसरा राकेश है, पिंटू के बाएं दूसरा राकेश है, इसका मतलब एक राकेश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक राकेश है, ठीक है, राकेश यहाँ पर है, लेकिन बात की 4 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, तो 4 व्यक्ति तो हमारे यही हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 व्यक्ति हो गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे दाएं कौन खड़ा है, सबसे दाएं कौन खड़ा है, सबसे दाएं की यहाँ पर बात की गई है, तो सबसे दाएं वाला होगा लाइट वाला, अब पंक्ति में सिर्फ 4 लोग थे, ये कोई नहीं था, यहाँ पर था, तो आपका कौन होगा यहाँ पर, पिंटू, ठीक है, पिंटू सबसे दाएं खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखा है पिंटू, तो ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पिंटू। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, 34 नंबर के बाद 35 नंबर लिखा हुआ है, सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब कौन क्या आएगा आपको ये बताना है। लिखा है 3, 8, 4 = 5, इसी प्रकार 7, 6, 2 = 10, तो आपका आगे क्या आएगा,
तो इसे देखिए 3, 8, 4 ये बराबर 5 के कैसा होगा। अगर हम इसे इस प्रकार सॉल्व करें कि यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें और यहाँ पर आप अगर भाग कर दें तो आपका यहाँ पर 5 आ सकता है। कैसे आएगा? 3 प्लस ये हल करेंगे हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो 3 दो कितना हुआ आपका 5 आ गया है। देखिए आपका 5 आ गया है। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम लोग, लिखा है 7 प्लस का करेंगे 6 भाग 2 कर देंगे तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6 तो 10 हो जाएगा ये वाला भी। अब देखिए तीसरा वाला आसानी सॉल्व होगा कि 12 + 8 = 2। देखिए 12 + 8 = 2 मतलब जो चुपको 8 और कितना होगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है कितना होगा 16, ऑप्शन डी में रखा है तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है, निम्न मैट्रिक्स के में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, चेक करिएगा। यहाँ पर 34, 17, 29 आ गया है, 25, 15, 40 तो 44 वाला क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करके देखें 34 + 17 + 29 कितना होगा, जुड़िएगा जरा कि 7, 4, 7, 11, 11, 9, 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8 80 आ गया यहाँ पर। आगे देख लेते हैं 25 + 15 + 40 तो 25, 15, 40 और 40 कितना हो गया आपका यहाँ पर भी 80 हो गया। तो आपको यहाँ पर यही काम करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है 44 और 12 को जोड़ना है, ठीक है, और इसके साथ में आपको क्वेश्चन मार्क जगह 1 रख लेना है और बराबर आपको 80 के कर देना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना होगा 4, 2, 6, 4, 1, 5 प्लस का x बराबर कितना करेंगे हम लोग 80 कर देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है x का मान निकालना है तो 80 से माइनस करेंगे 56, तो 80 - 56 जब कर देंगे तो आपका बचेगा कितना वो समझिएगा। यहाँ पर 10 से 6 गया 4 और यहाँ पर बचा है 6, 7, 7 से 5 क्या बचा 2 तो आपका कितना आ गया 24 आपका आ चुका है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में देखा है 24, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद देखिएगा 36 नंबर के बाद 37 नंबर आपका आ गया है, निम्न में से कौन कुत्ता जानवर मांसाहारी को निरूपित करता है, ठीक है कुत्ता जानवर और मांसाहारी को निरूपित करता है तो आपको यहाँ पर बताना है कुत्ता जानवर मांसाहारी को कौन निरूपित करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन देखिए ऑप्शन चाल देखें तो देखिए कुत्ता क्या है, कुत्ता जो होगा वो क्या होगा जानवर होगा, ये तो बात क्लियर है। तो देखिए ये बाहर जो है ये क्या होगा, ये होगा जानवर, ठीक है जानवर, और ये अंदर जो है क्या होगा कुत्ता, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो जानवर होता है इसलिए कुत्ता। इस प्रकार से इतना तो हो गया है। अब बात की जाएगी मांसाहारी, इसमें क्या लिखा हुआ है मांसाहारी लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि सभी जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं, सभी जानवर जो हैं मांसाहारी नहीं होते हैं, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं। तो आपके लिए इसमें जो लॉजिक लगेगा वो आपका जाएगा जो वो आपका इस प्रकार से जाएगा, ठीक है इस प्रकार से, मतलब कुत्ता भी मांसाहारी होता है और इसके साथ साथ थोड़े बहुत जानवर और होते हैं वो भी मांसाहारी होते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि आपको इन चारों में से ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है ये वाला मैच नहीं कर रहा है इससे। कोई बात नहीं आपका यही सही होगा, क्योंकि बकाया सभी ये जो बाहर हैं ये गलत हैं, ठीक है आपका यही जो मैंने आपको बना के दिखाया है आपका यही वाला करेक्ट होगा, बकाया नहीं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर देख रहा हो सकता है ये वाला करेक्ट हो। लेकिन समझिएगा यहाँ पर देखिए इन्होंने 4 गोले बनाए हैं, ठीक है 4 गोले बनाए यहाँ पर हैं, इसीलिए वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर सिर्फ 3 गोले होने चाहिए थे क्योंकि 3 की बात की गई है। तो देखिए इस सी वाले में तो लफड़ा दे रखा है, नहीं तो सी वाला इसका करेक्ट होता वैसे। अब देखिए इसके बाद में अगला 38 नंबर आपके सामने आ गया है, निम्न चित्र क्रमों का अगला चित्र विकल्प से चुने, प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको भी दे रखी हैं, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए किस प्रकार से देखेंगे हम, पहले देखिए ये बना हुआ है, ये पहले यहाँ पर है, ठीक है यहाँ से देखिए इतना मुड़ के यहाँ पर आ गया है, समझ आपको यहाँ पर आया ये यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ से कितना बड़ा यहाँ से भी इतना बड़ा इतना यहाँ पर पहुँच गया है, यहाँ पर पहुँचा है, फिर अब कितना बढ़ेगा तो अब यहाँ से भी मतलब डेढ़ मुड़ रहा है पूरा, एक जा रहा सीधा और आधा और मुड़ा है तो यहाँ पर आ गया, देखिए ये आ गया है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ सीधा जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है यहाँ पर आएगा ये वाला। किस में देखा है यहाँ पर है तो यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला में देखा है तो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा इसे, ये देखिए गोला था आपका, ये गोला पहले पीछे बढ़ा यहाँ पर आया, फिर इससे पीछे बढ़ा तो यहाँ पर आया, तो इससे पीछे आएगा तो आपका इस साइड में गोला आएगा, ठीक है तो इस साइड में गोला किसमें किसमें है आपको देखिए इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं ये तीर वाला निशान कहाँ जाएगा, तीर का निशान देखिए पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर गया ऊपर फिर इधर गया तो अब की बार तीर का निशान इधर आएगा, ठीक है इधर आएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको सी वाला में दिख रहा होगा तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए असंगत आपको चूज करना है, यहाँ पर असंगत कौन सा होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन बने हुए हैं,
और इसमें से आपको बताना असंगत कौन सा होगा। तो संगत के लिए हम लोग देखने पर यहाँ पर पहली वाली आकृत दूसरी वाली आकृत के बिल्कुल विपरीत है, मतलब एक का मुंह उधर के लिए है दूसरे का मुंह उधर के लिए। चेंज हो रहा है डायरेक्शन, जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसके साथ साथ आपके चिन्ह हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गोला था तो ये गोला यहाँ पर आना चाहिए, और ये वाला था ये वाला आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसी वाला देखिए, ये वाला देखिए सी डी से देखिए तो ये बिल्कुल चेंज है, इसके साथ साथ इसके जो चिन्ह हैं वो भी चेंज हैं, तो इसमें बी वाले में आपके चेंज नहीं है। ठीक है, तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 41 नंबर आपका सामने आ चुका है आपके। 41 नंबर में देखिएगा, पढ़िएगा, इस समझिएगा कि जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन से वेद में है जादू संबंधी वर्णन? तो यह है अथर्ववेद में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, अथर्ववेद। 42 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। 43 नंबर देखिए लिखा हुआ है, पढ़िएगा, नागरिकता संबंधी वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? ठीक है, किस भाग में है? भाग एक, भाग दो या भाग तीन और भाग चार में? तो भाग दो में है। ठीक है, नागरिकता संबंधी वर्णन भाग दो में है। इसके बाद देखिएगा 44 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। तो कौन सा है केंद्रीय बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए 45 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, यह है मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, मुंबई में। 46 नंबर लिखा है, प्रकाश अमृतराज का संबंध किस खेल से है? प्रकाश अमृतराज का संबंध गोल्फ, क्रिकेट, निशानेबाजी या टेनिस से है? तो किससे है? टेनिस से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। इसके बाद देखिए 47 नंबर लिखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी गुल्फ कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी या सेंट लॉरेंस की खाड़ी? तो कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स कहा जाता है? सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन लिखे, न्यूयॉर्क, रोम, ऑक्सफोर्ड, दार ए सलाम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट इसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, 49 की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा पवन नहीं है? बोरा, मिस्ट्रल या लिवांटर सिरोको? तो कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये नहीं है सिरोको। ठीक है, ठंडा पवन नहीं है सिरोको। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, एशिया महादेश नहीं है, क्षेत्रफल में पहले स्थान पर नहीं है, या जनसंख्या पहले स्थान पर नहीं है, या क्षेत्रफल में दूसरे और जनसंख्या में पहले स्थान पर है, या लिखा है क्षेत्रफल था जनसंख्या दोनों में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट होगा। इसका होगा करेक्ट नंबर सी, कि एशिया महादेश जो है वो क्षेत्रफल में दूसरे और जनसंख्या में पहले स्थान पर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे 50 नहीं 30 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 30 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा, और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।